टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम 4 मीटर कपड़े में सूट की कटिंग करेंगे। इसकी हिप है 52 इंच, 52 इंच हिप वाले सूट की कटिंग करेंगे और इसमें हम बिना बेल्ट की सलवार बनाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 4 मीटर कपड़ा है। ये देखिए ये हमारा 4 फोल्ड है, ये देखिए 1, 2, ये 3 और ये 4। और यहां से मैं आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ, ये देखिए 39 इंच है। ये हमारा 4 मीटर हो गया। इसमें हम सूट कट करेंगे। अब हम सबसे पहले अपनी कुर्ती की लंबाई देखेंगे। यहां से मेरी लंबाई है 39 इंच, उसमें हम 3 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए प्लस करेंगे। 39 में हम 3 इंच प्लस करेंगे, हो गया हमारा 42 इंच। यहां से हम 42 इसकी लंबाई ले लेंगे। ये मैंने 42 लंबाई ले ली, यहां हम निशान लगाएंगे, ये 42, और इसे हम यहां से ये ऐसे डबल कर लेंगे उल्टी तरफ। ये उल्टा है हमारा, ऐसे डबल कर लेंगे इसे, और इसे डबल करके बिल्कुल सीधा बिछा लेंगे। ये देखिए मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है, ये यहां से, और इसे हम पूरा देख लेंगे कि हमारा 42 है यहां से। ये देखिए यहां से भी 42 है और वहां से भी देख लेंगे, ये 42 है। हमने पूरा 42 पर ही फोल्ड करना है इसे, और अब हम इसे यहां से कट कर लेंगे। अब जितनी हमारी हिप है उसका हम 1/4 भाग लेंगे। हमारी हिप है 52 इंच, 52 का 1/4 भाग हो गया हमारा 13 इंच। 13 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच। 15 इंच हम ये इसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। इसे हम 15 इंच पर फोल्ड करेंगे, ये यहां से हमारा 15 होना चाहिए। ये ऐसे, ये देखिए मैंने यहां से 15 इंच पर फोल्ड कर लिया। अब हम यहां से भी इसे कट कर लेंगे। ये देखिए यहां से मैंने कट कर लिया। अब जो हमारी खुली हुई साइड है यहां से मैं निशान लगाऊंगी तीरे का। यहां से हम तीरा ले लेंगे, यहां मैं रख रही हूं 6.5 इंच, 6.5 इंच मैं यहां तीरा रख रही हूं। यहां से भी हम 6.5 इंच ले लेंगे, और यहां से हम ले लेंगे 8 इंच, जो आर्मोल होता है वो हम ले लेंगे 8 इंच। ये 8 इंच ले लिया मैंने, और यहां से अब हम चेस्ट ले लेंगे। चेस्ट है मेरी 46 इंच, उसका हम 1/4 भाग लेंगे, हमारा होएगा 11.5 इंच। 11.5 इंच पर मैं यहां निशान लगाऊंगी, यहां से हम 11.5 पर निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर से कमर लेंगे नीचे की तरफ 14 इंच, 14 इंच पर हम कमर लेंगे, और यहां से वैसे हम 21 या 22 पर लगाते हैं, लेकिन इसकी हिप 23 पर है तो मैं यहां 23 पर लूंगी, इसकी निशान लगाऊंगी हिप का। यहां से ऊपर से हम 23 इंच ले लेंगे। यहां से हमारी कमर है 44 इंच, 44 का हम 1/4 भाग ले लेंगे, हमारी होगी 11, 11 इंच पर हम यहां निशान लगा लेंगे। और अब हम हिप लेंगे, हिप है मेरी 52 इंच, 52 का 1/4 भाग हो गया 13, यहां से हम 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये मैंने 13 पर निशान लगा लिया। अब हम इन निशान को मिला देंगे, यहां से इसे मिलाना है और यहां से इसे मिलाना है नीचे। ये हमने मिला दिया, और यहां से अब हम इसे इस तरह से पूरा निशान को करते हुए यहां से हम आर्महोल की गोलाई देंगे। इसकी गोलाई मैं दूंगी 2.5 इंच पर, ये यहां से मैं 2.5 इंच पर निशान लगा लूंगी,
और यहाँ ऊपर से हम ये इस तरह से यहाँ ऐसे गोलाई दे देंगे। और अब हम यहाँ से मार्जिन ले लेंगे, दो दो इंच पर मार्जिन ले लेंगे यस। और अब हम इसे यहाँ से कट करेंगे। हम आगे की यहां से गोलाई देंगे, यहां से मैं गोलाई दूंगी डेढ़ इंच पर, डेढ़ इंच पर निशान लगाकर, और यहां से ऐसे गोलाई दे देंगे फ्रंट भाग की, जो हमारी कुर्ती का फ्रंट भाग होगा उसके लिए। और अब हम नीचे भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे, यहां दो पार्ट ऐसे लेकर और नीचे की तरफ हम यहां से निशान लगा लेंगे। इन निशान को भी मिला देंगे आपस में। यस। अब हम ये बंद है नीचे से हमारा, इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। कट करके अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक पार्ट अलग कर लिया, और जहां हमने फ्रंट का आर्महोल का निशान लगाया था यहां इसे कट करेंगे। एक ही पार्ट हमने कट करना है। ये हमने कट कर लिया, और जो पीछे वाला है उसका मैं गला कट कर लूंगी, ताकि इससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो कि हमारा आर्म होल हमने कौन से वाले का कट किया था, गला हमारा गलत कट ना हो जाए, इसलिए पहले ही हम पीछे का गला कट कर लेंगे। यहां से फ्रंट का मैं गला रखूंगी चौड़ाई में 5 इंच, हाफ हो गए 2.5 इंच, तो मैं यहां से 2 इंच पर निशान लगा लूंगी। आगे 2.5 है तो हम पीछे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और लंबाई है मेरी गले की 5.5 इंच, यहां से मैं 5.5 पर निशान लगा लूंगी। यहां से भी हम यहां से 2.5 इंच ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इन निशान को मिलाकर ऐसे, और यहां से हम गोल गले की शेप दे देंगे। यहां से गला कट कर लेंगे। यस। अब हमें पता चल जाएगा ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारे दो कट हो गए। अब जो हमारा कुर्ती में से साइड में से कपड़ा निकला था, ये देखिए जो ये साइड वाला कपड़ा है वो हम ले लेंगे, इससे हम सलवार के जो पोंचे होते हैं वो बनाएंगे। पोंचे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम सलवार की लंबाई ले लेंगे। लंबाई है मेरी 37 इंच, 37 में भी हम 3 इंच प्लस करेंगे, हमारे होगे 40। यहां से हम 40 इंच लेंथ ले लेंगे। यहां से भी ले लेंगे ये 40 इंच, और अब हम यहां से इसे मिलाकर कट कर लेंगे। निशान को मिला लेंगे और यहां से इसे कट कर लेंगे हम। ये देखिए ये हमारे यहां से बचे हैं 11 इंच, 11 इंच यानी कि इसे डबल करेंगे हमारे हो गए 5.5 इंच। ये इस तरह से ये हमारे पोंचे बनेंगे। अब हम कलियां कट करेंगे इसकी। अब सलवार के कलियां कट करने के लिए जो हमारा ये बाकी बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे, लंबाई में ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उल्टा फोल्ड करेंगे हम इसे और बिल्कुल सीधा बिछा लेंगे। ये देखिए मैंने इसे लंबाई में फोल्ड करके सीधा बिछा लिया। अब हम अपनी सलवार की लंबाई लेंगे, यहां से हमने रखी थी 40 इंच,
यहां हम 40 इंच पर निशान लगाएंगे, ये ऐसे, और यहां से हम पोंचे का निशान लगाएंगे। यहां पोंचा मुझे बनाना है 8 इंच, और जो हमने पोंचे कट किए थे वो थे हमारे 5.5 इंच, 5.5, 8 में से हमारे 5.5 इंच गए, हमारे बच गए 2.5 इंच। 2.5 इंच हमें और चाहिए पोंचे के लिए, 2.5 इंच, और 1.5 इंच हमें मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए। 2.5 और 1.5 हो गए हमारे 4 इंच, हम यहां से 4 इंच पर निशान लगाएंगे, ये ऐसे निशान लगा के, और यहां से इसे मिला देंगे। अब हमारे 5.5 और 4, ये हमारे हो गए 9.5 इंच, 9.5 इंच, और हमारा ये 8 इंच पोंचा तैयार हो जाएगा। यहां से हमने 4 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम उस तरफ से, दूसरी तरफ से यहां से हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन मेरा है 14 इंच तैयार, उसमें भी हम 3 इंच प्लस करेंगे, हम यहां से ले लेंगे 17 इंच, 14 में 3 प्लस हो गया तो हमारा होगा 17 इंच, यहां से हम 17 इंच ले लेंगे। यहां से हम 1.5 इंच और निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ, 1.5 इंच नीचे निशान लगा के यहां से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, जो हमने 4 इंच यहां निशान लगाया है उतना ही हम यहां निशान लगा लेंगे। हमें आसन चाहिए 17, और यहां से जो हमने 17 इंच पर निशान लगाया था, यहां से इसे गोलाई की शेप देते हुए इसे यहां से मिला देंगे। जो हमने नीचे 4 इंच पर निशान लगाया है, वहां से हमने ये जो 17 इंच वाला निशान है, वहां से इसे गोलाई देते हुए इसे ऐसे मिलाना है हमने। ये हमने मिला दिया, हमने ये वाला कट करेंगे, ये वाला हम कट नहीं करेंगे, ये वाला ऊपर वाला जो गोलाई वाला है वो कट करना है। यहां निशान लगाने के बाद अब हम यहां से ये नीचे वाले को मिला देंगे, नीचे वाला 4 इंच का निशान है, और ये दोनों को आपस में मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया, अब हम इसे कट करेंगे यहां से। ये हम गोलाई वाला है, वहां से कट कर लेंगे इसे, ये ऐसे, ये देखिए, ये हमारा यहां से 17 इंच ही आएगा, ये यहां से, ये देखिए 17 इंच ही है, यहां से हमारी गोलाई आ गई। और अब हम यहां से आसन को बीच में से भी कट कर लेंगे, ये कट हो गया। अब हमने जो ये कट किया है इसे भी सीधा कर लेंगे बिल्कुल, ये कपड़े को। ये हमारी अभी 2 कलियां कटी हैं, इन 2 कलियों को हम इसी के ऊपर रख लेंगे, बिल्कुल सीधे अच्छे से बिछा कर बराबर रखना है इसे। यहां से जो हमारा ये 4 इंच हमने निशान लगाया था वहां तक इसे रखेंगे, ये देखिए वहां तक हमारा ये बिल्कुल बराबर आएगा, ये देखिए हमने बिल्कुल सीधा इसके ऊपर 2 कलियों को रख लिया बिल्कुल बराबर मिलाकर। और यहां से अब हम, ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा है जो हमने गोलाई की हुई है, यहां से भी हम गोलाई कर देंगे, इसे कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, ये ऐसे, और नीचे से भी हमारा ये एक्स्ट्रा है, यहां से भी कट कर लेंगे। और अब यहां से हमारी जितनी ये ऊपर वाले की लंबाई है उसके बराबर इसे कट करेंगे, और यहां से ये हमारे 2 बंद हैं, इसे भी हम काट कर अलग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी 4 कलियां कट हो गई, और ये हमारे जो हमने पोंचे कट किए थे वो हमारे यहां आ जाएंगे, ये ऐसे। और ये हमारा घेर देखिए कितना तैयार हुआ है, यहां से 25 इंच, ये पूरा हमारा 25 इंच तैयार होगा, सिलाई में देने के बाद हमारा 25 इंच तैयार होगा ये, क्योंकि मैंने ये ऊपर रखा है इसके, और यहां से भी मैंने ये 25.5 है सिलाई के लिए छोड़ दिया, 25 इंच। कितनी खुली हमारी सलवार ये बनकर तैयार होगी, ये देखिए 4 मीटर कपड़े में। अब हम स्लीव्स कट करेंगे।
ये हमारा बाकी ये कपड़ा बचा है, इसमें से हमारी स्लीव्स कट हो जाएंगी। स्लीव्स की लंबाई है मेरी 6.5 इंच, 6.5 इंच में हम 2 इंच प्लस करके लेंगे मार्जिन के लिए, फोल्ड करने के लिए हमारा हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच हमें चाहिए यहां से ये कपड़ा, ये इतना 8.5 इंच हम ले लेंगे, यहां से कट कर लेंगे निशान लगा के। इसे कट कर लेंगे यहां से, यदि 8.5 इंच लेकर मैंने इसे कट कर लिया, अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ये मुझे यहां से आर्म होल चाहिए यहां से 13 इंच, 13 इंच मैं फोल्ड कर लूंगी इसे। ये 13 इंच पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया, यहां से ये हमारा कपड़ा कम है, यहां पर हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ के लिए हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, आप इसे भी यहां पर लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं ये जो हमारा आर्म होल हमने कुर्ती का कट किया था उसमें से हमारे ये 4 पीस निकले थे, मैं 2 पीस ये वाले इसमें यूज करूंगी, 2 पीस हम ले लेंगे। इसे हमने इस तरह से रखना है, ये ऐसे ऐसे रख लेंगे हम, और यहां से हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे सिलाई के लिए। और यहां से हम अपनी बाजू की मोरी ले लेंगे, मोरी है मेरी 8 इंच 8 इंच, और मैं यहां से 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लूंगी मार्जिन के लिए 9.5 इंच, 9.5 इंच पर यहां से निशान लगा लूंगी, और ऊपर से हम 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे। ये 3 इंच यहां से नीचे निशान लगा लिया, और अब हम इन निशान को मिला देंगे तिरछा, ये ऐसे, और यहां से हम स्लीव्स के लिए गोलाई दे देंगे यहां, ये ऐसे, और इसे अब हम कट करेंगे। ये ऐसे, ये देखिए हमारी स्लीव कट गई। अब हम ये हमारा जो जोड़ है ये पीछे की तरफ आएगा, ये हमारा पीछे का पार्ट है और ये हमारा आगे का पार्ट है। आगे की तरफ हम थोड़ी थोड़ी यहां से कटिंग कर देंगे, 2 पार्ट लेकर, 2 हमने नीचे छोड़ देने हैं। यहां से हम कटिंग कर लेंगे, ये देखिए ये हमारी कटिंग होगी, यहां से जोड़ लगाकर हमारी स्लीव्स बन जाएंगी। हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं गया, जो हमारे आर्म होल का था वो भी हमारा इसमें काम आ गया। ये हम गले पर यूज कर लेंगे और पोंचे पर ये हमारे यूज हो जाएंगे दोनों कपड़े। ये देखिए 4 मीटर कपड़े में हमारा पूरा सूट कट हो गया, बिल्कुल कपड़ा वेस्ट नहीं गया है हमारा, इसमें बचा भी नहीं है, पूरा हो गया और हमारा सूट भी कट गया, और बिना बेल्ट के हमने सलवार कटिंग की है। ये देखिए ये हमारी सलवार होगी, ये कुर्ती होगी, ये उसकी स्लीव्स होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।